In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art. It's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न मीडिया संस्थानों और संस्थाओं द्वारा ओपिनियन पोल किया जाना जारी है। एक ऐसे ही ताजा ओपिनियन पोल ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। इस सर्वे की रिपोर्ट ने नेताओं को झटका देने के साथ ही चौंका दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा राम मंदिर से उठी लहर पर सवार होकर क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ सकती है। आइए बताते हैं सर्वे से सामने आए आंकड़े क्या कहते हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने अपने ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को बड़ा झटका लग सकता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सपा को यूपी में सिर्फ 2 सीटें मैनपुरी और आजमगढ़ पर जीत मिल सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके 10 सीटें हासिल करने वाली मायावती की बसपा के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बसपा को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को भी बड़ा झटका मिलने का अनुमान है। अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से 2019 में ही निकल गई थी। अब रायबरेली सीट भी कांग्रेस के हाथ से छिटक सकती है। इन आंकड़ों में भाजपा की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक भाजपा के एनडीए गठबंधन को यूपी की 80 में से 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।